जी हाँ, मटन कोरमा एकदम लिप्स मैकिंग मटन कोरमा, साथ में भाई अगर हम खाएंगे ना इसके तो नल्ली निहारी, ये चीज़ें ना आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते गोवा के अंदर किसी भी रेस्टोरेंट में। दिल्ली का फेवरेट है भाई तंदूरी मोमोज, जो कि आपको कहीं नहीं मिलेंगे, सिर्फ और सिर्फ छुपा रुस्तम इन गोवा। यहाँ पे आके आप मोमोज खा सकते हो, बच्चों को लेके दे सकते हो। यहाँ पे आके आप काकोरी कबाब, एकदम फ्रेश काकोरी कबाब आपके सामने बनेंगे, कलमी कबाब, चिकन कलमी कबाब मिलेगा। मैं दाल बुखारा एक बार खा ली ना, ट्रस्ट में कह रहा हूँ आप हमेशा यहाँ पे आके कुछ भी ऑर्डर करोगे दाल बुखारा करोगे करोगे। तो भैया फाइनली गोवा आ चुके हैं, और गोवा के अंदर भाई मैं आया हूँ छुपा रुस्तम, जहाँ पे मैं आपको दिखाने वाला हूँ भाई एकदम लिप्स मैकिंग फूड। और स्पेशली ये वीडियो जो सर है दिल्ली वालों के लिए, मेरे दिल्ली वालों के लिए जो यहाँ पे आते हैं गोवा में, और उनको गोवन फिश, गोवन फूड एक्चुअली पसंद नहीं आता, बट उनको चाहिए होता नॉर्थ इंडियन या मुगलाई फूड, और मुगलाई फूड आपको पूरे के पूरे गोवा में कहीं नहीं मिलने वाला। तो अगर आप ट्राई करना चाहते हो ना एकदम दिल्ली वाली चाट और दिल्ली वाला वाला हर एक चीज़, तो भाई आपको आना पड़ेगा छुपा रुस्तम, जो कि वेगेटर बीच के जस्ट पास ही है, पेट्रोल पंप के जस्ट बैक साइड में है। तो एक काम करते हैं अंदर चलते हैं और आपको पूरा इंटीरियर दिखाता हूँ, फूड दिखाता हूँ, हर एक चीज़ दिखाता हूँ, आ जाओ मेरे साथ। तो भाई अगर फूड की बात करूँ ना मैं, तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ भाई फूड एक्चुअली में दाल बुखारा, एक बार खा ली ना ट्रस्ट में कह रहा हूँ आप हमेशा यहाँ पे आके कुछ भी ऑर्डर करोगे दाल बुखारा करोगे करोगे। क्यों? क्योंकि प्योर देसी घी डाल के बनाया जाता है, ऊपर बाद में टॉप करते हैं हल्की सी क्रीम और बटर के साथ। मैंने यहाँ पे ऑर्डर किया भाई दिल्ली वाला कोरमा, जी हाँ मटन कोरमा, एकदम लिप्स मैकिंग मटन कोरमा, साथ में भाई अगर हम खाएंगे ना इसके तो नल्ली निहारी, ये चीज़ें ना आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते गोवा के अंदर किसी भी रेस्टोरेंट में, बट आपको मिलेगा छुपा रुस्तम के अंदर। दिल्ली की बात करें ना अगर हम दिल्ली वाला, दिल्ली का फेवरेट क्या है? दिल्ली का फेवरेट है भाई तंदूरी मोमोज, जो कि आपको कहीं नहीं मिलेंगे, सिर्फ और सिर्फ छुपा रुस्तम इन गोवा। यहाँ पे आके आप मोमोज खा सकते हो, बच्चों को लेके दे सकते हो। यहाँ पे आके आप काकोरी कबाब, एकदम फ्रेश काकोरी कबाब आपके सामने बनेंगे, कलमी कबाब, चिकन कलमी कबाब मिलेगा। तो और मैं आपको एक बात और बता दूं, खास बात स्पेशली यहाँ की वो ये, पूरे गोवा में कहीं भी चले जाओगे ना सिर्फ एक ये छुपा रुस्तम ऐसा है, वाकई में ऐसा छुपा रुस्तम है कि यहाँ पे आपको एकदम लाइव जिसे कहते हैं ना शो होते हुए दिखेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल कवाली हो रही है कभी, तो कभी लाइव बैंड हो रहा है, तो कभी इंडियन जिसे कहते हैं ना इंडियन, वो इंडियन है पूरा स्टेज लगा हुआ है जहाँ पे आराम से बैठ के आपको कभी कवाली सुनाई जाएगी तो कभी कुछ, तो ये चलता रहेगा प्रोग्राम। तो भाई सीधा चलते हैं टेबल पे, क्योंकि गर्मा गर्म खाना सर्व हो चुका है, अब एक एक डिश टेस्ट करके मैं बताऊंगा कि टेस्ट कैसा है। आ जाओ। तो भाई फूड पूरा का पूरा आ चुका है भाई, जो मैंने आपको बताया था भाई सारी चीज़ें एकदम बढ़िया बनी है। आ जाओ फटाफट, क्या ऑर्डर किया दोबारा बता देता हूँ। ये देखो भाई साहब, ये आ गई भाई हमारी पुरानी दिल्ली स्पेशल नल्ली निहारी। नाउ लुक एट दिस यार, मतलब गोवा में मिल रही है यार, मतलब कैन यू इमेजिन गाइस, गोवा के अंदर बैठे बैठे आप इंजॉय कर सकते हो, आप अवधी फूड इंजॉय कर सकते हो, मुगलाई फूड। गर्मा गर्म लच्छा पराठा आ गया भाई, दाल बुखारा आ चुकी है भाई, ये देखो भाई, ये आ गए भाई हमारे काकोरी कबाब्स, ओए होए काकोरी कबाब्स, और ये दिल्ली के फेमस तंदूरी मोमोज। इसके बिना तो मेरे दिल्ली वाला अधूरी है मोमोज के बिना। और अगर बात करें ना भाई, ये देखो पुरानी दिल्ली स्पेशल मटन कोरमा, ये देख रहे हो दिल्ली कोरमा है ये, और ये भी आपको छुपा रुस्तम रेस्टोरेंट में मिलेगा। और ये देख, ये आ गया भाई हमारा मीट चावल भाई, ये मतलब ये जो चीज़ें हैं ना ये एकदम स्टेपल फूड है अपना दिल्ली का, जो अगर कोई हार्ड कोर नॉन वेजिटेरियन है ना उसको पता है। ये देख लो चिकन कलमी कबाब, ओ भाई साहब क्या बात है, खीर तो है ही है, शाही टुकड़ा मन्नी खा चुका है, एक प्लेट आ रहा है। और ये देख लो भाई, ये मेरा फेवरेट है भाई, एक ऐसी बिहारी डिश जो दिल्ली वालों को दिमाग ख़राब करके रखा उसने, और वो है भाई चंपारण मीट। और ये चंपारण मीट भी आपको यहीं मिलेगा बैठे बैठे, ये देख सकते हो भाई लहसुन की पूरी तूरी डाल रखी है, जिसका फ्लेवर जो है ना बहुत तगड़ा होने वाला है। ये डाला इसमें बढ़िया सा, और ये आपको मटकी के अंदर ही मिलेगा, क्योंकि ये क्या करते हैं ये ना मटकी के अंदर ही बनाते हैं। देखिए
पोर्शन साइज है, इसी के अंदर बनता है ये। ये देखो भाई, सबसे पहले इस पर लगाते हैं नींबू, नींबू ना छोड़ते, आ जा भाई। ये देखो भाई, अब मेरे को सर नीचे कमेंट करके ये बता दो कि आपने कभी गोवा के अंदर काकोरी कबाब खाए, आपने कभी गोवा के अंदर चंपारण मीट खाया है, नल्ली निहारी खाई है, नहीं खाई होगी, कभी खाई ही नहीं होगी। यहाँ बहुत सारे रेस्टोरेंट है जहाँ पे नॉर्थ इंडियन फूड भी मिल जाएगा आपको, लेकिन ये इस टाइप का फूड आपको शायद नहीं मिलेगा। एकदम सॉफ्ट, मज़ेदार, और वही फ्लेवर जो हम दिल्ली में खाते हैं। मुझे आज भी याद है जब मैं दिल्ली में लाइक ये स्पेशली मैं खाने में खा रहा था, कुरेशी पे खाते हैं। ये देख, ये आ गया भाई हमारा चंपारण मीट, और चंपारण मीट तो मैंने आपको चंपारण गांव जाके दिखाया हुआ जहाँ पे ये लोग बनाते हैं। लहसुन का काफ़ी स्ट्रॉन्ग फ्लेवर है, पीस देखो एकदम गल चुका है, क्योंकि जब ये दम लगता है ना, दम लगने के बाद भाई साहब जान निकल जाती है इसकी। और ये देख, मटन का भी टूटता है ऐसे, इतना सॉफ्ट मीट। पता है गोवा के अंदर ना दिल्ली से बहुत फैमिलीज आती है घूमने के लिए, और सिर्फ एक ही चीज़ पर डिसअपॉइंट होते हैं वो, कि उनको फूड वैसा नहीं मिलता जो एक्चुअली में उनका सोल फूड है। लेकिन अगर आप एक बार आओगे ना यहाँ पे, इट्स अ फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट, सेटिंग दिखाई है, लाइव गज़ल चल रही होगी या कोई सिंगिंग कर रहा होगा, तो इंडियन जिसे कहते हैं ना इंडियन टच, छुपा रुस्तम, नाम भी देखो छुपा रुस्तम है, और एक्चुअली में ये आपको मतलब जब गोवा आओगे ना तो ये जस्ट अभी लॉन्च हुआ है 1 दिसंबर को, आप जब इसको ट्राई करोगे ना यहाँ पे आके खाना खाओगे, ट्रस्ट मी ये वन ऑफ द फेवरेट आपका रेस्टोरेंट बन जाएगा। लेट मी टेक अ बाइट। भाई साहब सारा खाने वाला हूँ मैं, जल्दी कलमी कबाब बढ़िया सा मैरिनेट किया हुआ है, और आपके सामने इसको कोयले पे पकाया हुआ है। एक बाइट लेते हैं, पूरा मुंह में घुल रहा अच्छे से। घूमना फिरना पता है हम कहीं भी चले जाते हैं, हमने आपको भी थाईलैंड भी दिखाया, सब जगह दिखाया, बट एक्चुअली जो हम कनेक्ट करते हैं ना वो फूड से, अगर फूड हमारे पसंद का मिल जाए तो बस सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है। मतलब ये समझ लो कि ट्रिप के पैसे पूरे वसूल हो जाते हैं। ये देखो भाई, पीस देख निहारी का, और ये देख रहा है, ये देख बढ़िया से देसी घी डाल के बनाई है, और ऊपर रोगन भी देख रहे, तो रोगन भी देख सकता है। ये देख, ये हाँ, ये देख सिंपल और एकदम बढ़िया से गला हुआ पीस। तो ये रे भाई मेरी बाइट। मैं हमेशा बताता हूँ कि निहारी जो बनाते हैं ना लोग, अगर आपने भाई निहारी की जो ग्रेवी है, जो निहारी जो है हड्डी डाल के पकाया ना अगर गोश्त, तो आपके हाथ चिप चिप करेंगे, क्योंकि जो इसका बोन मैरो का जो स्टॉक होता है ना, जो स्टॉक होता है, अगर वो स्टॉक में पका है तो फ्लेवर बहुत तगड़ा आता है, और आपके हाथ भी थोड़े से चिप चिप करेंगे। तंदूरी मोमोस, ये तो मतलब मेरे को लग रहा है दिल्ली में हर रेस्टोरेंट में मिलने लग गए अभी, ये चाहे आप किसी भी कहीं भी चले जाओ। ओए होए होए भाई, ज़बरदस्त टेस्ट है, सीरियसली कह रहा हूँ। ये देखो भाई साहब, अब आ गई बारी कोरमा की। अब कोरमा भी एक, मैं आपको स्पेशली ना वो सब खा के बता रहा हूँ एक्चुअली में, जो दिल्ली में मतलब कि जो आपको गोवा में तो नहीं मिलेगा, छुपा रुस्तम रेस्टोरेंट के अलावा आपको और किसी भी रेस्टोरेंट में नहीं मिलेगा ये वाला खाना, तो ये तो फॉर श्योर है। अब आप मुझे खुद ही बता दो, क्या आपने कभी भी गोवा के अंदर मुगलाई फूड खाया है? भाई मुझे तो नहीं मिला, बट आपको मिलेगा भी नहीं शायद। आप अगर कोई बंदा अगर खोल ले अगर, तो बात अलग है इसको देख के, बट ट्रस्ट मी चीज़ है भाई वही वाली जो एक्चुअली दिल्ली, क्योंकि शेफ़ जो उनसे ना मैं बात करी अंदर किचन में गया, दिल्ली वाले शेफ़ है जो जामा मस्जिद की गलियों में काम करके बड़े हुए हैं, वो वाले शेफ़ है भाई। मज़ेदार है, थोड़ा सा मज़ा है वो मन्नी के साथ मैं टेस्ट करूँगा। मैं बस अब एक लास्ट बाइट ले रहा हूँ एक खीर की, और उसके बाद मैं मिलता हूँ आपको बढ़िया से गोवा की एक और वीडियो के साथ, अगर मुझे कुछ बढ़िया खाने लायक मिला यहाँ पे तो। क्योंकि फ्रेंकली स्पीकिंग मन था यहाँ पे कि एक बार गोवन फिश, गोवन थाली जो सी होती है ना, वो मैं एक बार ट्राई करूँगा, और कुछ ऐसे रेस्टोरेंट जहाँ पे आपको जाना चाहिए वो हम ट्राई करेंगे ऑथेंटिक जो से होते हैं। लेकिन सोल फूड छुपा रुस्तम वेगेटर बीच का जो पेट्रोल पम्प है ना, उसकी बैक साइड पर आपको मिल जाएगा। मैं चलता हूँ, नीचे गूगल लिंक दे रहा हूँ मैं, अगर आप जब भी यहाँ पे आओ वीडियो शेयर करो उसके साथ जो गोवा आ रहा है,
अपनी बीवी के साथ या किसी की बीवी के साथ शेयर कर लो। अब मैं एक लास्ट बाइट आपको खीर की दिखा रहा हूँ, ये देखो भाई बढ़िया से खीर है पूरा, एकदम बढ़िया से ड्राई फ्रूट्स डाल रखे हैं और काफ़ी अच्छे से, जैसे कहता है ना पकाई हुई है खीर है ये वो है। तो मैं इसे खाता हूँ भाई, इन्जॉय करता हूँ। आप ये वीडियो शेयर करो उसके साथ जो आ रहा है भाई गोवा घूमने के लिए और उसको मुगलाई फूड बहुत पसंद है, दिल्ली का फूड यहाँ पे आके मिस करता है, तो उसको बस शेयर करो। मैं नीचे गूगल लिंक दे रहा हूँ, आप कभी भी गोवा है ना तो बस गूगल पे क्लिक करना है, गूगल लिंक पे क्लिक करना है और डायरेक्ट आप यहाँ पे आ जाओगे। चीयर्स।